आज मुझे जिस मौजूद पर लफ्ज़ शायरी का मौका दिया गया है वो है मेरे आका तो जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। रबीउल अव्वल का महीना तमाम आलमी इस्लाम के लिए एक खास मकाम रखता है। इसकी वजह यह है कि जमाना जहलियत के शिकार जुल्मो सितम का निशाना बने हुए था कि अचानक एक दिन जुल्मो सितम की चक्की में पीसते हुए लोगों को आसमान लाजवाल पर नूर का एक चमकता हुआ रोशन सितारा दिखाई दिया जिसकी चमक ने तो जहां को मुनव्वर कर दिया। 12 रबी अव्वल के दिन जब बीबी आमिना के पाक घर में विलादत का सआदत रसूल अल्लाह हुई तो तारीख ने वो सब देखा जो पहले कभी ना हुआ था। काबे के मुतमह के बल जा गिरे और तमाम दुनिया के आतिश कदे बुझ गए। तौहीद के पैगाम को बनी हुई इंसान की अरवाह में दाखिल करने वाला, सच का पैगाम फैलाने वाला और हक व सदाकत की रोशनी से हर दिल को जगमगाने वाला, इस जहां पानी में आके खोलता है तो इब्लीस अपनी तमाम तर मक्कारी वो परेब के साथ ढल के रह जाता है। वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, वो शमा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली की सब दुनिया के दरबारों में। 12 रबी अव्वल का दिन वो दिन है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान लाजवाल पर चौदह का चांद बनकर चमके तो जहालत का अंधेरा छट गया। उस दिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नमाज को करवड़ मिल गया, सज्जे को तकद्दुस मिल गया, बेसब्रों को सबर मिल गया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि नबी के आने से नबियों को इमाम मिल गया, उम्मत को शरीयत मिल गई, इंसानों को रहमत का सरदार मिल गया, सतियों को सखावत मिल गई और गुलामों को हुकूमत मिल गई। मोहतरमा सदर साहिबा, एक बंदा मोमिन के लिए अपने बारे में इतना जानना जरूरी नहीं जितना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना जरूरी है। जो शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता वो अपने दीन और ईमान को भी नहीं जान सकता। मोहतरमा सदर साहिबा, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अच्छे थे कि सारे मक्का में आप अमीन और सादिक के लक़ब से मशहूर थे। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाज़िल हुआ तो आपने सबको अल्लाह की दीन की तरफ बुलाया। जिन लोगों ने आपकी बात मानी वो सहाबी कहलाए। आपने हमेशा लोगों को सच और कामयाबी की दावत दी। मोहतरमा सदर साहिबा, मेरे आका के बारे में जितना भी कहा जाए सुना जाए कम है। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। शुक्रिया।